राजस्थान के जिला नागौर के मेड़ता रोड स्थित धरा पर अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष कुमारी विद्या जी गौतम, निजनेश गौतम एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता खटाना जी और प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जी कर्णावत और प्रदेश अध्यक्ष पाचा राम जी इंद्रावर और अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा के जिला अध्यक्ष ईश्राम शिलोलिया और सभी जिलों के जिला अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात नवनिर्मित अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा के कार्यालय का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री विद्या जी गौतम, निजनेश गौतम, राष्ट्रीय प्रवक्ता खटाना जी और उपरोक्त पदाधिकारी द्वारा फीता काटकर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके पश्चात भामाशाह सभी जिलाध्यक्ष को सामाजिक कार्यकर्ताओं का स्वागत करके उनको साफा पहनाकर मनोनीत प्रमाण पत्र वितरण किए गए और सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। कई वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। जोरा राम जी कडेला, लक्ष्मण जी कैलाश जी, विनोद कुमार लूनिया, रामचंद्र जैसे राम जी, मदन लाल जी, जेपी मेहरानिया, दिनेश मेहरानिया, अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा के मीडिया प्रभारी महबूब चौहान इत्यादि वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए और राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या जी गौतम, प्रदेश अध्यक्ष श्री पाचा राम जी, इंदिरा वर्ड प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जी कर्णावत, राष्ट्रीय प्रवक्ता खटाना और जिला अध्यक्ष ने अपने अपने सुझाव दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष और पाचा राम जी ने कहा कि विश्वास दिलाया कि मैं पूरी ईमानदारी, निष्पक्षता एवं कर्मठता पूर्वक कार्य करूंगा, कार्य करने में कोई भेदभाव नहीं करूंगा, सर समाज को साथ लेकर चलूंगा, पीड़ित चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो उसको पूरी न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा, अधिकार और अपने अधिकारों के लिए सदैव संघर्षशील रहूंगा। हमारा अंबेडकर रोड पे अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा का प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन हुआ और जिस उद्घाटन में हमारे कार्यकारिणी की बैठक भी हुई है, कार्यकारिणी के जो कुछ पदाधिकारी छूट रहे हैं उनकी नियुक्ति भी करी गई है। और जैसे कि अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा हमेशा से ही बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधाराओं पर चली है और हमारा जो अधिकार है उनको, अधिकारों को लेने के लिए हम लोगों ने लोगों को जागृत किया है और यही कहा है कि संघर्ष करें और डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए एक नई तरीके। अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार के बारे में बताओ, यहाँ राजस्थान में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार जब ही मिटेगा जब जनता जागरूक, और जनता को जागरूक करने का काम सबसे बड़ा काम अगर कोई करता है तो सामाजिक संगठन करते हैं और अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा लगातार प्रयासरत है कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नई मुहिम शुरू करे। भ्रष्टाचार जब मिटेगा, जब संविधानिक अधिकार लोगों को अपने प्राप्त हो जाएंगे तो अपने आप भ्रष्टाचार मिट जाएंगे और उसी का प्रयास हम लगातार जारी करें। अभी आपके समाज को तो अखिल अंबेडकर साहब के द्वारा दिए गए अधिकारों का 95% ज्ञान ही नहीं है, कैसे संभव हो पाएगा? बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने इसीलिए संगठन को लगातार संघर्ष कर रहा है कि वो ज्ञान हो सके, वो जागरूकता आ सके। और जिस तरह से राजस्थान में नुआ गांव में लगातार भूख हड़ताल चली थी तो उसके बाद से सरकार ने जो भी संविधानिक अधिकार उनको देने का प्रयास किया, माननीय पाचा राम साहब के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में संगठन लगातार जागृत करने की कोशिश करेगा और उसमें जरूर सफलता मिलेगी। यदि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के बजट को राजस्थान सरकार अब भी खर्च नहीं करती तो आप क्या करेंगे और किस तरह इसकी मॉनिटरिंग करेंगे? बिल्कुल, अखिल भारतीय अंबेडकर महासभा लगातार इस काम को कर ही रही है और इसी के साथ साथ अब हमारा पूरी तरह से, क्योंकि कार्यकारिणी का प्रदेश में बहुत मजबूत तरीके से गठन हो चुका है तो अब हमारा पाचा राम साहब से हम कहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी से, कि वो मॉनिटरिंग करें और जहां भी लगता सरकार बिल्कुल भी रवैया ढुलमुल है तो वहां पे हम आंदोलन की जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। व्यक्ति हैं प्रदेश के, समाज के और बहुजन समाज के भी, यदि ये सरकार बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को अब भी दबाने का प्रयास करेगी आपका क्या रुख रहेगा? मैं आप लोगों को इस महासभा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते में निवेदन करना चाहूँ कि जिस तरीके से हमारी जो मेन विद्या गौतम ने पूरे देश में स्ट्रक्चर करके इसका एजेंडा बनाया है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान, और इसमें इस अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो जरिया बनाया है, आपके धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन और लास्ट में जो है ना भूख हड़ताल का हथियार तो दिया हम लोगों को, उसके बाद में हमें पता चला कि किस तरीके से इस महासभा को काम करना है। मैं समझता हूँ सैद्धांतिक रूप से हम इनके पूरे देश में किस तरीके से संविधान में हमारे जो प्रावधान बाबा साहब ने किए थे उनके सैद्धांतिक रूप से हम स्टडी कर रहे हैं, उसको लगातार जो हमारे आज कार्यालय उद्घाटन के मौके पर हमने प्रैक्टिकल बेस पर एक झलक देने का प्रयास किया। मैं निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ कि मेरे आँख कान हाथ जो है ना पूरे पार्टी की जो बॉडी आज बनी है प्रदेश में और इसकी हमारे जो विद्या गौतम जी के नेतृत्व में जो हम इस महासभा को आगे बढ़ाएंगे, मैं निश्चित रूप से शाम दाम दंड भेद से हर तरीके से सरकार को झुकने का प्रयास करेंगे। अच्छा, जो SC के उत्पीड़न हेतु रोकने हेतु बाबा साहब के जो अम्बेडकर फाउंडेशन की जो सुविधाएँ हैं
राजस्थान अभी उससे अछूता भी है, अज्ञान भी है, तो क्या जहाँ जहाँ भी अब उत्पीड़न होगा महासभा ऐसा कोई वादा करेगी समाज से अपने के महासभा उसको दिलवाएगी अपने खर्चे? आज मैं समझता हूँ कि इस बहुत बड़ा जो कार्यक्रम था हमारे उद्घाटन मौके के बाद में, जो एक समारोह के मार्फत हमारे कई वक्ताओं ने इस पर जो फोकस किया था कि किस तरीके से आपने इस बाबा साहब के नाम पर जो आपको आगे बढ़ने का जो जज्बा होना चाहिए और किस तरीके से नागरिकों का अधिकार प्राप्त करना चाहिए, लेकिन जहाँ से जो शुरुआत होती है बाबा साहब जो कल्पना की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फाउंडेशन, मैं समझता हूँ जो लिटरेट जो स्टेट है राजस्थान से थोड़ा साक्षरता में कम है लेकिन लिटरेट स्टेट है उनको भी पता नहीं है, मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 6 महीनों के अंतर्गत हम है ना वहाँ पर अम्बेडकर फाउंडेशन में खुद वक्तीश और मेरे प्रदेश बॉडी को और मेरे पूरे जिला अध्यक्षों को वहाँ ले जाकर है ना सैद्धांतिक रूप से उनकी कैटलॉग और बायलॉग लाकर मैं ना डोर टू डोर कन्वेंस करके अम्बेडकर फाउंडेशन के बारे में पता करेंगे और जहाँ तक मतलब आवश्यकता है इनको है ना लागू करने का प्रयास करेंगे।